उत्तर प्रदेश के अयोध्या में महाराष्ट्र का टप्पेबाजी करने वाला गैंग सक्रिय हो गया है। आज ऐसे ही गैंग का अयोध्या पुलिस ने खुलासा किया है। पकड़े गए सभी टप्पेबाज महाराष्ट्र के रहने वाले और उत्तर प्रदेश के जिलों में घूम घूम कर चोरी करना, टप्पेबाजी करना, इसका पैसा इस गैंग में इनके बच्चे और उनके परिवार की महिलाएं भी शामिल है। कोतवाली नगर पुलिस ने 29 जुलाई को हुई 8 लाख की टप्पेबाजी का खुलासा किया है। इसमें 2 बाल अपराधी, 5 महिलाओं समेत 12 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया है। इनके पास के टप्पेबाजी के 1,09,000 रुपए बरामद हुए। मामला कोतवाली नगर के सिविल लाइन इलाके में 29 जुलाई को हुई घटना का है। सिविल लाइन इलाके में एक राइस मिल मालिक लालजी जायसवाल ने अपनी कार से शहर की तरफ आ रहे थे, तभी कोतवाली नगर के सिविल लाइन इलाके में बाइक से ओवरटेक कर कार पंचर होने की ड्राइवर को सूचना दी गई। जैसे ही ड्राइवर और मालिक कार से नीचे उतरे तब तक कार के पीछे रखा हुआ बैग लेकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गए। घटना स्थल के पास से पीएनबी के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के सहारे पुलिस के लालजी जायसवाल के साथ घटना हुई थी। उनकी कार से बदमाशों के द्वारा एक रुपयों से भरा हुआ एक बैग निकाल लिया गया था, जिसमें 8.5 लाख रुपए थे और घटना की सूचना पर सभी लोग पहुंचे थे। ये घटना सिविल लाइंस पंजाब नेशनल बैंक के पास की घटना थी, जो इनमें बदमाशों ने पहले कार को पंचर होने की बात कह करके और उनको बताया था, जिससे ये पंचर की दुकान आगे देख करके रुके थे और उसी समय जो है जो बदमाश थे ये आ करके चोरी से वो बैग निकाल लिए थे। इस घटना को चुनौती के रूप में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इंस्पेक्टर सिटी कोतवाली की अध्यक्षता में चौकी प्रभारी गण और आरक्षी गण की टीम गठित की थी और सीओ सिटी के निर्देशन में ये पूरी टीम ने अपनी कार्यवाही प्रारंभ की और इसमें तमाम जो है पास में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनके भी उनको भी देखा गया, खंगाला गया और इसके अलावा जो इनके जो ग्रुप का पता चला, पूरा इनका जो गैंग था उनका पता चला और उसमें इनको जो है इसमें से टीम को सफलता मिली और 12 इसमें अभियुक्तों को उनको गिरफ्तारी की गई है आज और रेलवे स्टेशन के पास से मिले हैं। इसमें से 2 जो है अपचारी हैं और इनमें ये जो इसमें 5 महिलाएं भी हैं जिनका ये लोग सहयोग लेते थे घटना में, ये लोग रहने वाले महाराष्ट्र के हैं और ये यहाँ आ करके अपना गैंग पूरा यहाँ ला करके घटना करते थे और इस पे जो है बहुत अच्छी सफलता मिली है और इन पे जो चोरी की घटनाएं हैं इस और टप्पेबाजी की, इस पर अंकुश लगेगा और इनमें प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार भी दिया गया है। इनका